क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस की टीम ने मुरैना और उत्तर प्रदेश के रहने वाले शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक चारों बोलेरो वाहन में शराब लोड करके जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा और वाहन से शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने मुरैना और उत्तर प्रदेश के रहने वाले चार शराब तस्करों विनोद यादव, योगेंद्र यादव, सुनील यादव और शैलू उर्फ शीलू को रंगे हाथों अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये चारों बोलेरो वाहन में सवार थे। पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा और जब बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें अलग अलग ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब और बियर की पेटियाँ बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत करीब 1.5 लाख रुपये है। पुलिस ने चारों को बापूनगर सामुदायिक भवन के पास घेराबंदी करके पकड़ा। इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मुखबिर सूचना पर दबिश दी गई और दबिश देने के पश्चात जो है लाइसेंस आदि के बारे में पूछा गया, जिसमें जो है शराब की पेटियां थी, कुल 26 पेटियां गिनी गई, जिसमें अंग्रेजी की विभिन्न ब्रांड की शराब थी जो करीब 1,30,000 रुपये की थी। जो है धारा 34(2) और 42 आबकारी एक्ट के तहत चारों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से शराब तस्करी के संबंध में पूछताछ की जा रही है।